Hi guys, welcome back to our YouTube channel. My name is Disha and I am Sana and we are the Dumb Dots. So guys, आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है कब शादी हो रही है मेरी. Yes, मेरी नहीं डक्की भाई की guys. तो it's a Q&A video. Q&A video डक्की भाई ने डाली है अभी 18 hours ago या ये वीडियो और हमें हमारी नजर पड़ी तो हमने सोचा इस पर रिएक्ट करते हैं क्योंकि इसमें काफी सारे ऐसे क्वेश्चन होने वाले हैं जो कि शायद हमारे भी मन में होंगे जो मुझे लगता है नीड्स टू बी आंसर्ड. हाँ, और डक्की भाई के फैंस के मन में भी होने वाले जो आप लोगों का हमारा रिएक्शन देख रहे हो. तो अभी हमारे साथ ये वीडियो देखो और कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चले जो आपको अच्छे लगे कॉमेंट्स में बताना. यस गाइस, इफ यू न्यू टू आवर चैनल देन यू कैन आल्सो सब्सक्राइब एंड विदाउट फर्दर डू लेट्स गो. हेलो जी, वी आर बैक विद अनदर वीडियो. तो यार आज हम लोग जो है ना, तुम लोग देख सकते हो मेरा थोड़ा सा गला खराब है. मेरा सुबह से बुखार भी है, सर दर्द है. ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले उठा हूँ और दिन खत्म होने वाला है. तो यार मैंने ना ट्वीट कर दिया कि यार मैं क्यों एने बना लेता हूँ, तो वो थोड़ा जल्दी बन जाएगा. आज सही में जो है ना, अगर व्लॉग आता भी ना तो सिर्फ और सिर्फ मैं बेड पे बीमार लेटा होता, सिंपल. ठीक है, अभी भी मैंने बड़ी मुश्किल से जो है अपने अंदर एनर्जी लेके आया हूँ मैं कि यार अपना वीडियो करनी है. ट्वीट किया है मैंने, तुम लोगों से पूछा कि यार मुझे कुछ क्वेश्चन दो ताकि मैं उसका आंसर करूँ. छोटा मोटा Q&A फेंकते हैं. ठीक है, तो बड़े मजे के क्वेश्चन आए हैं तो एक एक करके आंसर करते हैं भाई. After your yesterday tweet, people are thinking that you broke up. Is that true? तो जिन लोगों को नहीं पता, कल मैंने ये ट्वीट की थी लेकिन ये इसका कोई ताल्लुक नहीं, ये बस मैं ऐसी सोच रहा तो मैंने ट्वीट कर दी ही. नहीं, एवरीथिंग इज फाइन. डक्की भाई, आई थिंक यू विल नॉट बी मेकिंग एनी रोस्टिंग वीडियोस इन द फ्यूचर. यार रोस्टिंग वीडियोस आएंगी लेकिन अब तुम लोग मुझे खुद ही बताओ कि यार अभी पिछले एक दो महीने में ऐसा कौन सा रोस्टिंग टॉपिक था जो बहुत ही कोई जिसमें बदले की वीडियो बन सकती, कोई भी नहीं था. जबरदस्ती की वीडियो फजूल होती है. रोस्टिंग शोस्टिंग मैंने कोई नहीं छोड़ी. जहां मैं वैसे एक एक दो दो महीने का एक रोस्टिंग वीडियो के बाद ब्रेक ले रहा, उस दौरान अब मैं व्लॉग्स डाल रहा हूँ. बस आ जाएंगी रोस्टिंग वीडियो जब कोई हम भी पसंद कर रहे हैं यार, जिसमें मजा भी आए, मुझे खुद देख के ज़ेन में जो है झुकते हैं तो फिर वो बना भी लेंगे. टेंशन ना लो. डोंट यू थिंक रोस्टिंग इरा इज गॉन बाय नाउ एंड देयर इज नो फ्यूचर फॉर रोस्टिंग? और ऐसा ही है भाई, रोस्टिंग से आपका चैनल उठना अब बहुत मुश्किल है. पहले एक जमाना हुआ करता था यूट्यूब जो है ना थोड़ा फ्रेंडली हुआ करता था. आप गाली शाली दे दो किसी को, झुकते लगा दो, उसकी माँ बहन एक कर दो, किट लगा दो किसी की, तो कोई गाइडलाइन. लेकिन अब जो है एक रिपोर्ट से कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक, एक रिपोर्ट से एज रिस्ट्रिक्शन, एक रिपोर्ट से डीमोनेटाइजेशन, आपका दिमाग खुल जाता है भाई. जिन्होंने अपने चैनल उठा लिए थे वो अब अपने चैनल पे कुछ डालते हैं तो वो चल जाता है. ठीक है, लेकिन अगर आप चैनल ग्रो करना चाह रहे हो तो यूट्यूब आपकी वीडियो इतना रिकमेंड नहीं करेगा रोस्टिंग शोस्टिंग. भाई मैं बता दूं, पहले और डिफरेंट चीजें ट्राई कर लो. गेमिंग है, गेमिंग पे इतना मटेरियल है. अगर मैं व्लॉगिंग कर रहा होता तो मैं डेली गेमिंग कर रहा होता. और तुम लोगों को पता ही होगा लास्ट टाइम हम लोगों ने कोविड के अंदर 400,000 सब्सक्राइबर से 1,000,000 सब्सक्राइबर सिर्फ तीन चार महीने के अंदर हम लोगों ने गेमिंग चैनल पे मारे, क्योंकि तब भी मैं डेली अपलोड कर रहा और बड़ा शुगल था तब. गेमिंग का भी फेज आता है. अब देखो अभी कोई पॉपुलर गेम है पबजी मोबाइल, उस पे कंटेंट ही कंटेंट है. ठीक है, लेकिन वो गेम आहिस्ता आहिस्ता डाई डाउन होती जाती है. अब कोई नई चीज आएगी तो उसको पॉपुलर होने से पहले ही पकड़ लो, तब तुम बन जाओगे उस गेम के अंदर पायनियर. एंड जो कम तदी विच पवाई, जाहिर है नानी वाले के साथ घूम रहा हूं तो कुछ तो होगा ही. अस्सलाम वालेकुम. डेली व्लॉगिंग और रोस्टिंग वीडियोस बनाने में कुछ डिफरेंट फीलिंग आती है? रोस्टिंग वीडियोस बनाना बहुत आसान था, डेली व्लॉगिंग करना बहुत मुश्किल है. ओकेजनली व्लॉगिंग करना आसान है. चलो किसी ने एक्चुअली स्कैम किया है जिसका व्लॉग बना लेते हो, ठीक है कोई मसला नहीं. डेली व्लॉगिंग करना बहुत मुश्किल है भाई. डेली व्लॉगिंग करने का मतलब यह है कि अब आप अपनी जिंदगी में रेस्ट नहीं ले सकते, अब आपकी कोई प्राइवेसी नहीं है, अब आप कुछ भी पर्सनल नहीं कर सकते. आप जो भी कर रहे हो आपको व्लॉग करने, क्योंकि आपको वीडियो डालनी है. डेली व्लॉगिंग देता दिमाग आपका, लेकिन फॉर नाउ मुझे मजा आ रहा है. फिलहाल मुझे मजा आ रहा है. आज थोड़ी तबीयत खराब थी तो मैंने कहा चलो Q&A बना लेते हैं, लेकिन लेट्स सी कहां तक जाता है. मेरा गोल है 1 ईयर तक का, 1 साल तक का. उसके बाद हम लोग ओकेजनल व्लॉगिंग के अंदर आ जाएंगे, जिसमें मैं फिर एक व्लॉग के अंदर जो है ना कम से कम 2 दिन की एडिटिंग लगाया करूंगा. शुगल ऐसा ही होगा लेकिन एक डिफरेंट लेवल का होगा. हैव यू फ्यूचर प्लान्स स्पेशल प्लान्ड फॉर रमजान? रमजान के अंदर स्पेशल तो नहीं कुछ खास, रोजे शोजे रख लेंगे. ठीक है, सारे रखेंगे. ईद में कुछ हल्ला गुल्ला कर लेंगे, फिलहाल तो यही है. लेकिन हम लोग रमजान के दौरान जो है तुर्की जाने का प्लान करेंगे, तुर्की का वीजा लगवाएंगे. ठीक है, तुर्की के टिकट वगैरह बाय करेंगे, दोस्त वगैरह पकड़ेंगे जो हमारे साथ तुर्की जाएंगे. तो जैसा दुबई का शुगल था, अब आने वाला है तुर्की का. ठीक है, तो तुर्की भी हम लोग जो है कम से कम हफ्ता रह के आएंगे. तो वहाँ पे फाड़ू सुई ने देखते हैं क्या होता है वहाँ पे. मथीरा एंड रोमैसा आर ड्राउनिंग, यू हैव टू सेव वन, हु विल यू सेव? मतलब मथीरा और रोमैसा अगर पानी में डूब रही होंगी तो मैं उनमें से किसको बचाऊंगा? यार मथीरा पानी के अंदर शायद खुद ही फ्लोट कर जाए, समझ रहे हो? लेजेंड समझ गए होंगे. और मैसा को बचा लेंगे, वो बेचारी डूब जाएगी भाई. डक्की भाई, आई वांट टू आस्क यू, गर्मी चढ़ गई कब आ रहा है? गर्मी चढ़ गई के लिए मैं सेटअप इस वक्त कर रहा हूँ. मुझे पता है कि यार मैं तुम लोगों को कहता रहता हूँ आ रहा है आ रहा है आ रहा है, आता कोई भी नहीं है. मैं तुम लोगों का खाता रहता हूँ यार. ये है कि भाई जब डेली व्लॉगिंग हो रही हो ना तो आपको ना दूसरी चीजों के लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल है. गर्मी चढ़ गई आएगी, ठीक है पूरी प्लान लेके टेंशन ना लिया करो यार. टाइम निकालना होती रहती है चीजें, इनएक्टिव तो नहीं ना बैठा हुआ. ऐसी क्या मजबूरी थी कि नानी वाले को दोस्त बनाना पड़ा? यार देखो मैं तुम लोगों को वैसे बताता हूँ, मैं सिर्फ नानी वाले की बात नहीं कर रहा. ये दुनिया ना बहुत छोटी है,
बहुत छोटी है, बहुत छोटी है, इतनी छोटी है कि पीसा अवार्ड के दौरान जब हम लोग दुबई गए थे वहां पे हमें कौन मिला जी, अली हैदराबादी। ये दुनिया इतनी छोटी है कि यार आपने जिन पे रोज मनाया होता है ना वो आपको चलते फिरते वैसे मिल जाते हैं, आपको अवार्ड शो से मिल जाते हैं। उस जुल्करनैन कंवल दोनों मिल गए मुझे अवार्ड शो पे। अब जाहिर है आप रूट तो नहीं हो सकते यार, थोड़ा हल्ला गुल्ला कर लिया। शाम इदरीस जिसका हमसे सबसे बड़ा हमारा पंगा रह चुका है, वो हमें 2020 के पीसा अवार्ड की लॉबी में मिल गया। हमारे साथ ही उसने रोटी छोटी खाई, हमारे ही होटल में रह रहा था, हमारे साथ ही उठा बैठा, शावीर की मंगनी पे मिल गया। अब नानी वाले का ये सिस्टम है कि यार नानी वाला जो है ना बहुत अच्छे मारने वाला इंसान है इंटरनेट पे, लेकिन वो रियल लाइफ के अंदर तुम लोग कहोगे आईफोन पैन में ले लिया, यार मेरी बात सुनो, वो रियल लाइफ के अंदर जो है ना अगर आप उसको कोई काम कहोगे कि यार नदीम ये इशू हो गया तो ये मुझे बता, वो आपका कर देगा, वो आउट ऑफ द वे जाके जो है आपका काम करता है। सोशल मीडिया पे वो चवलियां मारता है, टिकटॉक पे वो मारता है, ये मैं उसको खुद भी बोला हुआ है, ठीक है। और मैंने उसको ये भी बोला हुआ है कि भाई अगर तुमने हमारे साथ फिरना है, अगर तुमने व्लॉगिंग में आना है तो फिर, और तुम लोग देख सकते हो उसने छोड़ दिया, वो टिकटॉक को एल भी नहीं कराता, वो नहीं बनाता, वो डॉली शोली वाला वो चुतिया पे वो अब नहीं मारता। नानी वाला बस इंटरनेट पे थोड़ा शुगर लूसना से लगा लेता है, ठीक है, कच्चे कुछ मार के चवलिया मार के, रियल लाइफ में यार सीधा बंदा। तो अब अक्सर मेरे व्लॉग में आता रहता है, तुम लोगों ने नोटिस किया ही होगा, उतना चुतिया नहीं है जितना इंटरनेट पे वो अपने आप को शो कर देता है। बाकी दुश्मनी मेरी किसी से कोई नहीं है, बस ठीक है, दोस्त भी नहीं है, दुश्मनी भी नहीं है। हाँ नानी वाले के साथ थोड़ा उठना बैठना ज्यादा हो गया तो दोस्ती वहां पे होगी, ऊपर से लाहौर में और कोई है नहीं, कौन है लाहौर में यार, कोई यूट्यूबर ही नहीं मुंह लगाने वाला यार। अब जाहिर है हमने भी घूमना फिरना होता है, हमने भी आशुगर अपने व्लॉग बनाने होते हैं, कोई आता ही नहीं, कोई वेला ही नहीं होता नानी वाले के अलावा। यार मैं कराची एयरपोर्ट पे पूरा दिन खड़ा रहा दुबई जाने से पहले, लेकिन मिल नहीं पाया यार मेरा भाई। नेक्स्ट टाइम जो है ना मैं तुम लोगों को टिकट अनाउंस कर दिया करूंगा, ठीक है, टिकट दिखा दिया करूंगा तुम लोगों के, इस बजे से लेके इस बजे तक मेरी फ्लाइट है, तो उस दौरान जो है ना तुम लोग आना। कराची लाहौर एंटर हुआ, खड़े हुए कहते हैं हम लोग सुबह के आए हुए कि आपने आज लाहौर लैंड होने, यार जुलम ना करो अपने आप पे, मैं नेक्स्ट टाइम टिकट शेयर कर दिया करूंगा, हल्ला गुला लगा लेंगे, मिल लेंगे, कोई मसला नहीं है भाई। विल यू कंसिडर लिविंग अब्रॉड? भाई मैंने बाहर घूम के दिखा हुआ है, मैं दुबई भी महीना दो महीना रहा हूँ, साल में मैं 5 बार तो इस बार चला गया हूँ, जापान में 6-7 साल रहा हूँ, मैं मलेशिया भी घूमा हूँ, लेकिन ये जगह जो है ना अगर आप पाकिस्तान से यूज्ड टू होते हो ना तो आपको ये जगह लिविंग के लिए इतनी अच्छी नहीं लग रही होती, मजा नहीं आता। सही बता रहा हूँ, दुबई अब देखो कितना लेवल का है, कितना लेवल का है, घर वाली फीलिंग नहीं आती, जो मर्जी कर लो, हम लोग यूज्ड टू हैं पाकिस्तान में रहने में, तो अब पाकिस्तान ही है, ठीक है, शुगर मुगर लगाने चले जाएंगे, यूरोप शोरप चले गए कभी, लेकिन रहना लिविंग इधर ही। अंजुम को कॉल करके उसका मूड फक कर दो यार, ये चीजें मुझे तुम लोग गर्मी चढ़ गई के अंदर देना, ये डेयर जो है ना तुम लोग देना मुझे गर्मी चढ़ गई के अंदर जब मैं अनाउंस करूंगा। आई नो यू आर गाइस, गर्मी चढ़ गई क्या है, कमेंट चार जायज हैं मेरे साथ, दूसरी कर लो प्लीज, पूछना पड़ेगा भाभी से यार, मेरी पहली हो जाए बहुत है, दो राइम पर देसी क्या करने तुम लोगों ने। मां सफदर से दोस्ती कैसे हुई? मां सफदर ने हमें ज्वाइन किया था दुबई के ट्रिप के अंदर, जब हम लोगों का पीसा अवार्ड था तो वहां पे जो है मेरी काफी अच्छी उसे हल्ला गुल्ला हुई, वहां पे बड़ी अच्छी दोस्ती हुई, बड़ा अच्छा लड़का है और बड़ा मेहनती लड़का है। वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन द नेक्स्ट 5 years? ओ यहीं कहीं रोडों पे मरा हुआ मिलूंगा, शादी के बाद रोस्टिंग वीडियोस आएंगी भाई, अगर आपकी भाभी से फड्डा वड्डा हो गया तो फिर वाइफ रोस्ट आएगा, वाइफ रोस्ट। हाउ टू बिकम रिच विदाउट डूइंग एनीथिंग? नानी वाला, यार नानी वाला आईफोन जो है ना वो सिर्फ एक शुगल है, नानी वाला नहीं किसी की बन लेता आईफोन के लिए, ठीक है। मैं भी जो आईफोन यूज कर रहा हूँ, ठीक है, जिसे मैं ब्लॉगिंग वगैरह करता हूँ, वो भी मैंने पैसे दिए हैं, खरीदा है मैंने। डक्की भाई वो पूछना था कि आपकी बंड का रेट क्या है आजकल? लोग फ्री में मार के चले जाते हैं, आपको रेट की पड़ी है, कभी लोग पब्लिक में चुम्मी लेके चले जाते हैं, कभी बंड पे थप्पड़ मार के चले जाते हैं, आपको रेट की पड़ी है भाई। तो यहाँ पे मैं वीडियो को एंड कर रहा हूँ, लाइक क्वेश्चन। हाँ एक मिनट, ये क्लिकबेट था क्या, समझ नहीं आया। इट वाज अ नाइस क्लिकबेट, हमने एंजॉय करा वीडियो। हाँ बहुत मजा आया। बाकी उन्होंने बताया कि इन्होंने रोस्टिंग एक्चुअली क्यों छोड़ी, क्योंकि वो एक एक महीने दो दो महीने बाद रोस्ट डाल रहे थे और उसमें उनको भी मजा नहीं आ रहा था इतना। मजा आ रहा था बट ही सेड कि अभी आजकल कोई है नहीं रोस्ट का टॉपिक। हाँ तो वही कि फिर मजा ही आएगा कि जब रोस्टिंग का टॉपिक ही नहीं होगा बेफालतू में। हाँ एग्जैक्टली, फिर उन्होंने बोला कि उन्होंने व्लॉगिंग करना स्टार्ट करा, अभी तक उन्हें मजा आ रहा है, बाकी देखते हैं। रियली नाइस, जो कि ऑडियंस को पसंद आ रहा है, इट इज बेनिफिशियल फॉर हिम एज वेल। हाँ तो बढ़िया है, मजेदार है। बाकी उन्होंने यूट्यूबर्स को काफी एडवाइस भी दी, हाँ कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।